फाइनली मैं जा रहा हूँ भाई, बाल बाल कटवाने थी, बुरा लग रहा है, मैं बाल बाल कटवा ले मैं। करवा लिया हेयर कट और थोड़ा सा कलर चेंज करवा दिया बालों का मैंने। राम राम भाई सारा ने क्या ला सबके। तो आज लोग स्टार्ट कर दिया है, आज है 8 तारीख। तो दिखाता हूँ बाहर क्या चल रहा है भाई। मैं उठा हूँ जस्ट, बाहर एक नंबर मौसम हो रहा है। देख हेलो बोल दो एक बार सारे। हाय ऐसे राम राम जी सारे आने, राम राम जी सारे आने। फाइनली मैं जा रहा हूँ भाई, बाल बाल कटवाने थी, बुरा लग रहा है, मैं बाल बाल कटवा ले मैं। लिफ्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। तो आंटी ने यहाँ फ्रूट की दुकान खोल ली है। आंटी जी ने बोला कि स्किन साफ करने के लिए रेगुलर पपीता खाओ। तो स्किन इतनी साफ तो आपकी स्किन भी पेट भी दोनों चीजें साफ। अगर पेट साफ होगा तो स्किन साफ अपने आप ही होगी ना भाई, बात तो ये है। मतलब ये पपीता खाना चाहिए स्किन साफ करने के लिए। आंटी जी बाल कटवा के आ रहा हूँ मैं ना 4-5 दिन से ना लगातार ऐसा हो रहा था कि बाल कटवाऊंगा बाल कटवाऊंगा, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज तो थर्सडे है पर आज नहीं कटवाने चाहिए। मतलब जिस दिन टाइम लगता है ना उस दिन, या तो मंगलवार होता है या कुछ और दिन होता है, या मतलब वही ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को तो फिर भी करवा लेते हैं, पर थर्सडे को तो नहीं करवाने चाहिए। आपकी मम्मी से पूछ के देखना, वो भी मना ही करेंगे आपको आज का टाइम। बाबा बनने वाला हूँ आंटी जी मैं, अगर 2-4 दिन और रह गया ना तो इतनी दिन डाल दीजिए। थर्सडे को तो फिर भी कटा लेते, ट्यूसडे को तो अरे नहीं कटवाते थर्सडे को, एक बार अपनी मम्मा से पूछ के। मम्मी तो मना करती है, मम्मी तो सैटरडे भी मना करती है। हाँ तो नहीं करवाना चाहिए बेटा। तो भाई मैं आ चुका हूँ गाड़ी के पास और यहाँ देखो ये अपनी वरना खड़ी है, ये अपनी शराबियो वहाँ धुलवानी पड़ेगी। मैं अंकल ने भेज देता हूँ धुलवाने के लिए वो गाड़ी, वो धुलवा लेंगे आज। मतलब स्कॉर्पियो तो साफ है और जो वरना है ना, वो वरना बहुत बहुत गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी। तो मैं सोच रहा हूँ उसको धुलवा लेते हैं, तो आज वरना को भिजवा देता हूँ, अंकल जाके धुलवा लेंगे। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं बाल बुल कटवाने थी और वो गाड़ी धुलवा लेंगे, ठीक है। देखो परेशान से हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ये रिलैक्स हुआ हूँ। अगर कती सीट आग हो रही थी और मज़ा नहीं आता कती भी, ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लग रहा हूँ सीट पछा करे पाचे। आज की ना प्लानिंग ये कर रहा हूँ मैं कि भाई दिल्ली चला जाऊँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ना अभी यूट्यूब पर शूट है तो कपड़े ही नहीं यार मेरे दो रहे। देखते हैं एक पैर आंडू में, मतलब मैंने ना बहुत कम कपड़े पसंद आया करें, जो पसंद आ गए वही पहरे रहा करें। बुरी आदत है मेरी, बहुत बुरी। आज तो नया को नहीं जाते, कल वाले पहन रहा हूँ, बट बाल बुल कटवा के फिर चेंज करेंगे। शायद दिल्ली चला जाऊँ आज कपड़े लेने के लिए, तो देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो बाल बुल कटवा लूँगा, चिकू में लगा गया है तो उसने बिठा गया, बाल बुल कटवाने दी जाऊंगे, ठीक है। चलो चलो हाँ भाई चिकू क्या हाल है। हेलो गाइस, भाई पापा की दया आ गया सैलून पर कट एंड स्टाइल पे। ये कौन सी कटिंग करा तू? बाल कटवाऊंगा अपन भाई। यार देख पापा हो रहा हूँ, कति बाबा बन रहा हूँ, कुछ तो मुंडवाल हो रहे हैं। वाह करा ले तू, कटोरा कटिंग करा दे। क्या पोजी कटिंग चल चल रही ठीक खड़ी गाड़ी गाड़ी ठीक खड़ी है ना ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं, बाल बुल कटवाऊँ यार, बुरा हाल हो रहा है कुत्ती। बाबा बन हो रहा हूँ मैं, थोड़े दिन और नहीं हो रहा है ना तो बाबा बन जाऊँगा, कुछ तो बढ़िया। चल चलते हैं यहाँ पे सिंपल सा बड़ा हूँ, चप्पल पैर कर रहे हूँ उन्हें सिंपल सा बड़ा। ये भाई जूते पैर कर रहे हैं सिंपल सा भाई, चप्पल की सी रही फैशन वाली, फैशन वाली थोड़ी है, 50 रुपये वाली दो जोड़ी हैं, 50 वाली तो बात आई हुआ फिर टाटा की है। टाटा गाड़ी बनाओ चप्पल ना बनाती, स्पेशल बनवाई ना, खर्चा कर रखे 50 रुपये। चुप देखो पोत यकदा पंज की कमाई।
फिर भी मेरे इसमें वो लगा रखा था एयर स्प्रेयर वैक्स सब बड़े खराब हो रहे थे। हो गया भाई कंडीशनर लगाया ठीक है एक नंबर बाल हो जाऊंगे बहुत बढ़िया। जुस्सा मारदा ठाठा गबरू जवान दहा तूती बोलदी है जग ते जमाना जानदा सटर रुतबा ही देख वहरी सिया सारदा बाबा बिना ही तलावा जांदा गुड्डी चाड़दा तू ना जानदी हां कारोबार नहीं जल्दी नंबर प्लेट लगी एक नंबर के बाल हो गए देख कटाने दे रहने दे भाई अरे मत कटवा हो गया बढ़िया। एक चीज बता मेरे बाल उसे हो जाऊंगे क्या करली करली से घुंघराले बाल बताओ कमेंट करके मैं घुंघराले बाल करवा लूंगा फिर नेक्स्ट टाइम ना घुंघराले बाल करवा लेने मतलब कौन करावा भाई रहने दो भाई इनकी सर्विस देखो बहुत तगड़ी सर्विस है जूस दे दिया मेरे तीन तो आप सबको भी मतलब कैसा लग रहा हूँ मैं ठीक है चेक करो और कमेंट्स में बताओ कैसा लगा और आप सब भी आओ कट्स एंड स्टाइल पे भैया जो आएंगे उनको डिस्काउंट दोगे ना हाँ हाँ डेफिनेटली तो भैया डिस्काउंट भी देगा उनको ठीक है आओ सोनीपत में मैं लोकेशन यहाँ पे डाल दूंगा सेक्टर 15 सोनीपत करवा लिया हेयर कट और थोड़ा सा कलर चेंज करवा दिया बाड़ा का मैंने मेरा नहीं किसा लगेगा कि कल दिन में देखेंगे मतलब बढ़िया लगेगा कि ना लगता क्योंकि ना हर जगह अलग अलग लग है कलर फिलहाल तो क्योंकि लाइट नहीं है ना रात होगी तो इस वजह से हर जगह अलग अलग कलर लगते हैं पर कोई नहीं खड़ी अपनी गाड़ी यार खड़ी लेते चाबी दे तो ये अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं फ्लैट की तरफ पहले प्रोग्राम की तो और जान का था बट है ना रात होगी कोई फायदा नहीं जान का पहुंचेंगे इतने बंद हो जाओगे हैं मेरे ले गाड़ी तो हां बंद भी हो जाओगे इतने तो भाई अभी निकल चुके हैं हम दिल्ली के लिए कपड़े लेकर आऊंगे टाइम का मतलब ऐसे है अगर 9:30 तक पहुंच गए ना तो ले आऊंगे ना तो ना वो उल्टाना पड़ेगा तो देखते हैं चैलेंज है मतलब 8 तो बज गए पूरा 8 बजे मतलब 8 बजे में 4 मिनट बाकी है 1 घंटे में दिल्ली पहुंचना है अगले की दुकान पे देखो टाइम देख लो एक बार मतलब 4 मिनट रह गए हैं 8 बजे में और 9:30 का लास्ट टाइम है कि भाई 9:30 तक पहुंचना है अगर नहीं पहुंचे तो भाई अगले दुकान बंद करके ना घर चले जाऊंगे बालक बच्चे वाले हैं ना कोई दिक्कत नहीं है चलो चलते हैं जाम की दिक्कत है दिल्ली में ना एक चीज कसूती है वैसे जो जाम है ना ये दुखी करे है तो भाई अभी टाइम दिखा कितना रह गया भाई 8:35 मतलब ना टाइम तो चल रहे हैं कती फुल स्पीड थे बस जाम की थोड़ी सी दिक्कत रह गई थी ना तो नहीं थी पहुंच जाते 8:30 लास्ट था मतलब टाइम 8:37 हो गए हैं देखो पर फिर भी ना टाइम तो पहुंचने लग रहे हैं अरे पीपीआर तो चल रहे हैं कती नॉर्मल मेरी उम्र घट गई ना बताओ भाई कमेंट करके बताओ बाल कटवाए पछे मन तो फील होने लग रहा है कि मैं उम्र घट गई 2-3 साल मतलब बड़ा लागू था मैं बड़े बाड़ा में लागू था ना
कितना बड़ा लागू था डाडी के उस तो भी लग गया था थोड़ा थोड़ा डाडी वो थी ना अभी बड़ी बड़ी हो रही थी है ना एक थोड़ी सी कम करवा ली एक 20 22 साल का लागू ना चीकना लग गई चीकना तो भाई देखो जाम मतलब दिक्कत यह है बस दिल्ली की जाम तो फाइनली हम पहुंच गए पिनेकल पे यहाँ पे और यहाँ से ले रहे हैं अभी कपड़े मतलब मैंने सोचा था मैंने ना कपड़े फाइनल कर दिए थे तो अभी कपड़े उठा रहे हैं अंदर से ये फाइनल किए मैंने सारे कपड़े फाइनल किए हैं। हाँ भाई एक बात सच बताऊँ एक होनेस्ट रिव्यू करूँगा मतलब यहाँ पे नेकल का आप सब आओगे तो होनेस्ट रिव्यू महंगा तो है भाई नो डाउट पर मतलब है ना सच बताऊँ मेरे को अपनी पसंद वाला सामान भी नहीं मिला जो मेरे को ना चाहिए थी चीज़ें वो सबसे मेरे को सामान एक भी नहीं मिला। तो गाइस वहाँ से निकल के अभी मतलब फ्लैट के पास पहुँचने वाला हूँ मैं तो बात बीच में आती रह गई थी तो सच बताऊँ ना सामान तो ठीक है बस नॉर्मली अगर हम ना नॉर्मली कहीं किसी भी शॉप पर चले जाएंगे तो शायद इससे ज़्यादा क्वालिटी मिल जाएंगी मतलब जो सामान है वो ज़्यादा मिल जाएगा बट यहाँ वैरायटी ज़्यादा मिल जाएंगी हम अगर कहीं पे लोकल में भी चले जाएंगे तो वैरायटी यहाँ पे कम थी बहुत कम थी और मतलब एक सच बताऊँ तो जो पैसे थे मतलब जो प्राइस था हर चीज़ का वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा था जितना मतलब नॉर्मली दिखाया जाता है वैसा नहीं था उससे ज़्यादा ही था तो अगर जाओ तो वही सोच समझ के जाना तो मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। अभी फाइनली हम फ्लैट पे पहुँचने वाले हैं बाल ख़राब हो गए मेरे कोई नहीं कल सेट करके दिखाऊंगा बाल मतलब बढ़िया लगे हैं वो कमेंट में बता दियो हैं। देखो तो ये शॉपिंग कर ली हुई